हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी कुजीन और मैं हूँ अंकिता। आज हम बात करने वाले हैं चॉकलेट्स। हम सबकी फेवरेट, हम सबको बहुत पसंद होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इन चॉकलेट्स में बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड शुगर होता है। इवन जो मार्केट्स में हमें चॉकलेट स्प्रेड मिलते हैं, जो हम अपने बच्चों को देते हैं, वो बहुत ही नुकसान है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि रिफाइंड शुगर सिर्फ और सिर्फ बीमारियां ही लेकर आती है, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज़ हो, चाहे वो हार्ट डिजीज़ रिस्क हो, चाहे वो एक्ने के प्रॉब्लम हो, वेट गेन हो, और इवन बच्चों में मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो। तो आज हम एक ऐसी ही हेल्दी रेसिपी की बात करने वाले हैं जो आई थिंक हम सबको बहुत पसंद आएगी, दैट इज़ होममेड चॉकलेट स्प्रेड रेसिपी। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या, 1 कप बादाम, नेक्स्ट 1/2 कप खजूर, 3 चम्मच जैगरी पाउडर, गुड़ का पाउडर, 1/4 कप कोको पाउडर अनस्वीटेंड, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, कोई भी कोकोनट ऑयल आप यहाँ पर ले सकते हैं, और 1 पिंच सॉल्ट का। अब मेथड देख लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, आप खजूर को डीसीड कर लीजिए और इसे पानी में भिगो दीजिए लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। अब मीनवाइल हम क्या करेंगे, एक पैन में 1 कप पानी डालेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप बादाम के, और आपको इसको सब बॉईल लेकर आना है। इसमें हम इसे बॉईल इसलिए करें ताकि हम इजीली इनके छिलकों को रिमूव कर सकें। आफ्टर अ बॉईल हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे। ये हमने स्ट्रेन आउट कर लिया। अब आप इसको टिश्यू पेपर यूज़ करके बहुत अच्छे से सुखा लीजिए और फिर इनके पील्स को रिमूव कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट एक पैन लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच कोकोनट ऑयल। अब थोड़ा सा तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे आलमंड्स, जिनके हमने छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इन आलमंड्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे तेल में, जब तक ये थोड़े से लाइट ब्राउन ना हो जाए। रोस्ट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे भीगे हुए खजूर, और अब हमें इसे तब तक बॉईल करना है जब तक पूरा पानी सूख ना जाए। ध्यान रखिएगा, आपको पूरा पानी इसका सुखाना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आपको लास्ट में ऐसा मिलेगा मिक्सर, इसमें पूरा पानी सूख चुका है। अब इस मिक्सर को हम एक ब्लेंडर में ऐड कर लेंगे और इसमें डालेंगे 3 चम्मच जैगरी का पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे अनस्वीटेंड कोको पाउडर। अब हम ऐड करेंगे 1 पिंच सॉल्ट का। अब आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद आप इस स्प्रेड को 5 से 7 दिन तक फ्रिज में बहुत अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा यमी होममेड चॉकलेट स्प्रेड रेडी है। मैंने इसे ब्राउन ब्रेड केक स्लाइस में स्प्रेड करके रखा है। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं या वेट लॉस करना चाह रहे हैं, आप इस स्प्रेड को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने डाइट पर। इवन आप बच्चों को रोटी पे, पराठे पे लगा कर दे सकते हैं, बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा।
होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी. डू लाइक माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन. थैंक यू एवरीवन.